हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, ये है मम्मीज होमली फूड ढाबा। तो गाइस, जब हम पूना या लोनावला जाते हैं तो उस वक्त ये ढाबा पड़ता है। तो हम लंच के लिए रुके थे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पहली बार रुके और हमको बहुत अच्छा लगा, तो मैं सोचा कि क्यों नहीं मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो गाइस, मम्मी होमली फूड में हमने किया था लंच, और आपने देखा ऐसा पार्किंग एरिया कितना बड़ा है, और बहुत ही नॉर्मल रेस्टोरेंट जैसा, मतलब वैसा नहीं था, एकदम घरेलू जैसे लिखा है ना, बिल्कुल वैसा ही था। तो सबसे पहले एंट्रेंस देखे, इतना बड़ा पार्किंग है, और नर्सरी भी था राइट साइड में, और ये ऐसे बहुत बहुत मुझे ऐसे ना नेचर या ऐसी चीज़ें, आप लोगों को पता है कि मुझे पसंद है, तो ऐसा कुछ रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम गाँव जैसा। तो हम लोग जैसे ही जा रहे थे तो बहुत वेटिंग था, तो हमको वेट करना पड़ा। तो तब तक हम क्या करें, तो बच्चों ने यहाँ पे झूला खेला और बहुत मज़ा आया बच्चे लोग को यहाँ पे झूला खेला, बिल्कुल बोर नहीं हुए। तो नॉर्मली वेटिंग करने बोलते तो कितना बोर हो जाते हैं, तो बैठने बैठने का सुविधा भी है, मतलब इतना सब कुछ देखने हैं ना इधर उधर, तो आपको ऐसे बोर नहीं फील होगा। सो फ्रेंड्स, कुछ टाइम के बाद ही हमारा नंबर आ गया था और हमें बहुत भूख भी लगी थी, तो हम ऊपर ही वहाँ पे बैठे, और बहुत बड़ा बैठने का मतलब अरेंजमेंट है। तो अगर आपकी बड़ा फैमिली हो या बड़े आप ग्रुप में आ रहे हो फ्रेंड्स के साथ, तो बहुत अच्छा है यहाँ पे बैठने के लिए। और हमने सबसे पहले मंगाया मसाला पापड़, तो बच्चे लोग पहली बार खा रहे थे मसाला पापड़। सो फ्रेंड्स, हमने खाने में इस टाइम वेज ही मंगाया, हमेशा हम लोग नॉन वेज ही खाते, तो हमने सोचा कि चलो वेज खाते हैं। तो हमने ये पनीर का एक डिश मंगाया, और दाल मिक्स दाल मंगाया था, और चपाती मंगाया था, और ना भाकरी भी मंगाया था मैंने बाद में, उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया। मुझे ना चावल की भाकरी, जवारी की भाकरी भी, नाचने की भाकरी बहुत अच्छा लगता है, और मेरा तो फेवरेट है महाराष्ट्रियन फूड, मुझे बहुत पसंद है। और ये चपाती देखिए कितना बड़ा और गोल, और ऊपर से इतना मऊ, इतना सॉफ्ट बना है, और मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि मतलब ना मैं किसी मतलब मेरे महाराष्ट्रियन फ्रेंड के घर पर गई हूँ, और उनकी मम्मी जो है खुद अपने हाथों से खाना बना के दे रहे हैं। एंड सीरियसली, जब हम बिल पेमेंट करने नीचे आए थे, हम वही देख रहे थे कि वहाँ पे जो है जैसा नाम है मतलब मम्मीज होमली फूड, तो वैसे ही था पूरा। तो वहाँ पे मौसी ऐसे ही बना के दे रहे थे, और ये देखिए कितना मतलब वो पुराना जो पहले ज़माने के जैसे दरवाजे घर होते थे, तो उन्होंने वैसे ही वो चीज़ को रखा है एकदम, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब ये कोई एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाके मतलब जो मज़ा आता है, जो मतलब फील होता है, तो मुझे यहाँ पे ऐसे ढाबे में जाके मुझे बहुत मज़ा आता है। वहाँ पे भी अच्छा लगता है, पर ढाबे में मुझे तो मतलब और मज़ा आता है, ऐसे एकदम नेचर के करीब होता है ना सब कुछ, और इतने प्यार से। तो गाइस, ये था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइए। कौन कौन जाके आया है यहाँ पे, खाना खा चुका है वहाँ का, कमेंट्स करके बताइए। सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज गाइस, लाइक करना अगर आपको अच्छा लगा तो। बाय बाय, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।